सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं बनने वाला हूँ गरीब से सीधा अमीर माइनक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं मालिक बनने वाला हूँ इस गोल्डन मेंशन का। और इस गोल्डन मेंशन को मैंने कैसे प्राप्त किया वो तो आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर ही पता चलेगा, और आप लोगों को ये राज भी पता चलेगा कि मैं गरीब से अमीर कैसे हुआ। सो यह वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, पूरा एंड तक देखते रहना। और हाँ, मेरे को खबर मिली है कि अभी तक 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब सिर्फ 10% लोग देखते हैं। यार ऐसा मत करो, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करके अगर आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करते हो तो कमेंट्स में ओपी स्पैम कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ मेरी शॉप के अंदर, और मेरा ऑलमोस्ट तो स्टॉक खत्म हो चुका है। बट यार आजकल ना इतनी अच्छी बिक्री हो नहीं रही है, इतना कुछ ज्यादा बिक नहीं रहा है। पता नहीं लोगों को अब ये सस्ते खानों में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है, सब गोल्डन एप्पल वगैरह खरीदते हैं। यार अब आजकल देखो कोई आता भी नहीं है, शॉप की तरफ देखता भी नहीं है भाई। इनफैक्ट कोई, अरे कुछ तो ले लो भाई, मेरी भी थोड़ी कमाई करा दे। अरे एंडरमैन तू ही ले ले यार एटलीस्ट कुछ। यार ये तो भाव भी नहीं खा रहा एंडरमैन। वाह, अब क्या करे, वैसे एप्पल्स कुछ ही बड़े है मेरे पास, अब ये तो मेरे को अपने यूज के लिए रखना है। अब एक काम करता, तो बाकी के एप्पल्स और गोल्डन कैरेट्स तो खरीदने ही पड़ेंगे क्योंकि वो उगते तो है नहीं, एक तो इनका दाम भी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। चलो अभी एक काम करते, दुकान को मैं यही छोड़ देता हूँ और चलता हूँ, ठीक है। यार तुम लोग खरीदो भाई, एटलीस्ट कुछ तो खाओ भाई, पूरे दिन ब्रेड और ये क्या खाते रहते हो, गोल्डन एप्पल वगैरह, थोड़ा ये खाना भी खा लो, मेरी भी बिक्री करवा दो। और यार एक तो मैं लावारिस हूँ भाई, मेरा कोई माता पिता कोई है भी नहीं यार, एक तो इस वाले वर्ल्ड के अंदर इतना मेरे को बेचैनी सा फील होता है ना कभी कभी यार। एक तो मेरे को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, अकेले ही करना पड़ता है सब कुछ। कोई बात नहीं, अब चलो कुछ कर तो सकते है नहीं, फालतू के कॉबल स्टोन है जो कि होलसेल में ठीक ठाक रेट पे बिक जाते हैं। बट हाँ यहाँ पे पास में एक जंगल है, वहाँ चलते हैं, थोड़े से एप्पल्स निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि एप्पल्स की हमें सख्त जरूरत पड़ने वाली है। अब चलो आयरन गोलम को ही मारना पड़ेगा। ओके ओके, गांव वालों के सामने मारा तो गांव वाले मेरे पे केस कर सकते हैं, मेरे को आयरन गोलम को दूर जाके मारना पड़ेगा। आजा बेटा आजा, नीचे आजा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो एंड उससे आप लोग बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। बीसी गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको काफी सारे मजेदार गेम्स मिलेंगे और जिसमें आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीत के उसको क्लेम भी कर सकते हो, जैसे कि माइंस, कॉइन फ्लिप और एक्सेट्रा। इसमें से मेरा फेवरेट है माइंस, इसके अंदर आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि कहाँ पे होंगे माइंस और कहाँ पे होंगे बॉम्ब्स। एंड ये देखो मैं सही प्रेडिक्शन करके जीत गया बहुत सारे प्राइस। सो आप लोग यहाँ पे इस तरीके का प्रेडिक्शन करके प्राइजेस जीत सकते हो और उसको इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो। मेरे कमेंट में जो आपको लिंक मिलेगा उसको अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको 300% तक का बोनस मिल सकता है। जल्दी से जाके देखो मेरा पिन कमेंट। एंड इवन तो आप इसमें स्पोर्ट्स में भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है और भी बहुत सारे क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, तो उसमें भी आप प्रेडिक्शन करके बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो। और ऊपर से इसकी गेम्स बहुत ईजी होते हैं, यानी कि आप लोग बहुत ईजिली प्रेडिक्शन कर सकते हो, लाइक इतना हार्ड नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। आप लोग यहाँ पे इजीली बहुत सारे प्राइजेस ले सकते हो। सो या स्टार्ट प्लेइंग नाउ। आजा 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 आयरन गोलम आजा। ओके तो एक काम करते हैं, आयरन गोलम को बुलाते हैं। ब्रो आजा ब्रो आजा आजा, तेरी ऐसी की तैसी हो रही भाई भाई, तो मार रहे। ओके 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 ओके, आजा बेटा, है गया तू तो। ओके एक काम करते, सबसे पहले आयरन गोलम की ऐसी तैसी करते है। ओके इसने यहाँ पे आयरन गिराया, कितना गिराया, 15 ब्रू वॉट, अच्छा थोड़ा बहुत मेरे पास पहले से था यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो तो एक काम करते हैं, इतना आयरन किसी को बेच के आते हैं, देखते हैं किसको जरूरत है विलेज के अंदर। ओके तो दोस्तों फिलहाल तो मैंने मेरा आयरन इस वाले विलेजर को बेच दिया और इस वाले विलेजर ने मेरे को 38 एमरल्ड्स दिया और बोला है कि इस वाले घर के अंदर जाओ, इस चेस्ट के अंदर से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ओके तो मेरे को यहाँ पे मेरे पैसे तो मिल चुके हैं सही सलामत, तो चलो ठीक है, आयरन भी मेरा ठीक ठाक बिक ही रहा है, मेरे को अभी कुछ पैसे मिल चुके हैं। तो अगर मेरी कुल्हाड़ी टूट जाती है तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, या तो खुद से बना सकता हूँ, पर मेरे पास आयरन तो है नहीं, ऐसे आयरन गोलम्स को मार मार के धंधा चलाना पड़ेगा अभी के लिए। ओके तो यहाँ पे पास में एक यही गाँव है जिसकी लकड़ियाँ बहुत महंगे में बिकती है, पता नहीं विलेजर्स को इन वाली लकड़ियों में क्या इंटरेस्ट है, बट मेरे को बहुत दूर आना पड़ता है इन लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए। वैसे गाइज ये लकड़ियों को कलेक्ट करना इलीगल है यहाँ पे, लाइक कभी भी पिलेजर्स की रेड हो सकती है, क्योंकि ये जो भी आप लोग दूर दूर तक जमीनें देख रहे हो ना ये उनकी है, और अगर उन्होंने रेड कर दी ना तो यार मेरा यहाँ पे भांडा फट हो सकता है। तो एक काम करते हैं, ये वाली थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इन लकड़ियों के रेट कुछ ज्यादा ही बिक रहे हैं आजकल विलेजेस में, बहुत रेयर मानी जाती है लकड़ियाँ। ओके फिलहाल तो ठीक है, काम करते हैं यहाँ पे चलते हैं। भाई ये किस अमीर लोगों का घर है यार, इतने अमीर कहाँ से आ गए हमारे गांव में, भाई इतने अमीर हमारे शहर के आसपास कभी दिखते भी नहीं है, आज दिख गए हमें। भाई 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 कितना अमीर है ये बंदा, लिटरली सोने का घर है इसके पास यार। बट अगर मैं इनके घर के पास जाऊंगा तो ये तो मेरे को लात मार के भगा देंगे। चलो मेरे पास अभी कुछ है नहीं तो इनसे थोड़ी सी मदद मांगते, कुछ मिल जाए मेरे को, है ना। ओके इसके अंदर कोई तो खेल रहा है। ओके ओके बात करते हैं।
हेलो हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हेलो, कौन है? अरे भाई, मैं देखो, मैं बहुत दूर हूँ, मैं बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहा हूँ पास ही के गांव से, तो मेरे को थोड़ी सी मदद चाहिए। देखो, मेरे पास कुछ है नहीं, ना ही मेरे कोई माता पिता है, मेरे को खाने की भी व्यवस्था इतनी नहीं है, और रोजी रोटी तो समझो बहुत मुश्किल से चलती है, तो कुछ मदद हो जाएगी तो अच्छा होगा। अंदर आ जा, अंदर आ। आ सकता हूँ क्या मैं? हाँ, अपना ही घर समझ, आ जा। गोल्डन हाँ, कपड़े पहनते हो आप? अरे यार, इतने अमीर कैसे हो आप? खाना खाना चाहिए, खाना चाहिए। अरे खाना भी इतना महंगा सर जी, यार इतना महंगा खाना तो आज तक मैंने नहीं खाया अरे कोई बात नहीं, तू बता ना क्या चाहिए, तेरे को क्या हेल्प चाहिए। यार। बस कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिससे मेरी रोजी रोटी चल जाए, और कुछ तो नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ फिर। अच्छा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक देख, मैं भी अकेला रहता हूँ, देख यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, एंड मेरा भी कोई बेटा नहीं है, तू तू मेरे साथ रहेगा? अरे जरूर यार, आप तो भाई बिल्कुल मेरे पापा जैसे हो। हाँ, ऊपर आ, ऊपर आ, देख तेरे लिए बेड है यहाँ पर, ओ कहाँ पे है? अरे ये देख। भाई, आपके पास 3 बेड है? हाँ, पर मैं अकेला हूँ यहाँ पर। अरे अच्छा चलो ठीक है, आपके साथ रह लूंगा, बट यार देखो मैं फ्री में नहीं रह सकता, मेरे को भी अजीब लगेगा, तो कुछ काम बताओ जिसको मैं कर सकता हूँ, आपका थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ मैं कुछ। हाँ, अच्छी खासी नौकरी है मेरे पास तेरे लिए। अच्छा बताओ। हाँ देख, पास का एक विलेज है, वहां पर मेरा कुछ सोने का सामान रहा हुआ है, सोने के गोल्डन एप्पल्स एंड ये गोल्ड भी रह रहा हुआ है, तो वो तेरे को लेके आना है, मेरी उधारी वापस। अच्छा, उन विलेजर्स से उधारी लेके आ रही है? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो मैं कर लूंगा ये काम। चल ठीक है, तेरे को खाना चाहिए तो और खाना ले जा, ले। कोई ओके शुक्रिया भाई, शुक्रिया, चलो आपने मेरे को रखा, मेरी इतनी हेल्प की वही बहुत है भाई। और ये तेरे काम आए तो ये अरे ले जा। भाई, ये इतनी महंगी सामान, यार क्या बात कर रहे हो। हाँ, चलो ठीक है, शुक्रिया इतना सबके लिए, मैं चलता हूँ ठीक है। ओके। ओके, यही गाँव है उस लोकेशन के मुताबिक, तो यहाँ से ही मेरे को उधारी लेने की है, तो चलो एक काम करते, उधारी ले लेते हैं सबसे पहले। मगर वो क्या है भाई, यहाँ पे तो गुंडों ने अटैक कर रखा है भाई साहब। एक सेकंड एक सेकंड, अबे ये लोग तो बहुत खतरनाक गुंडे लग रहे हैं। अरे नहीं, नहीं तो मेरे को मार देंगे। अरे मैं कैसे लड़ू भाई, इतने सारे ये लोग। अरे शिट यार, यहाँ पे एक गाँव पे अटैक कैसे हो रहा है पता नहीं। अरे मेरे को इसी गाँव से उधारी लेने की है, क्या करूँ मैं, ये तो बहुत मुश्किल काम है यार। ओके जैसे तैसे इनसे लड़ना होगा मेरे को। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम ना लाओ कुकी तो। ओके ओके यार, कुछ ज्यादा गुंडे आ रखे मेरे को यहाँ पे, मेरे को आराम से लड़ना पड़ेगा इनसे। और तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा, तेरी तो ऐसी की तैसी। ओके मेरे पास कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से इनको बहुत ही ज्यादा चोट पहुंच रही है। शिट भाई, आयरन गोलम मर गया इनका। शिट 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 शिट, ओके ओके जा बेटा जा, तेरी रेड भाई, इन गुंडों ने तो आप रेड कर दी। नहीं 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 अगर यार अगर नहीं अगर इन लोगों ने सक्सेसफुली रेड कर दी तो सारा उधार का माल पानी ये लोग ले जाएंगे। नहीं 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 मैं इनको ऐसा करने नहीं दूंगा भाई, तुम मोरी ऐसी की तैसी रेड करोगे यहाँ पे। भाई मेरे को क्या पता है यहाँ पे इतना बड़ा हमला होने वाला है। ओके ओके काम करता हूँ, मेरे पास जितनी लकड़ियाँ है ना उससे मैं एक शील्ड बना लेता हूँ ठीक है, जो कि मेरे को भी हेल्प कर सकती है इस जंग के अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ से जितनी हो सके उतनी शील्ड बनाते हैं, बहुत सारी शील्ड बनाई है मैंने। ओके तो ये शील्ड ना कभी भी टूट सकती है, तो ओके ओके हमला यहाँ पे हो चुका है शुरू। और यार सिर्फ एक ही डायमंड है मेरे पास, वरना मैं डायमंड की कुल्हाड़ी भी बना सकता था। गाइज ये देखो मेरे पे कितने सारे एरोज लग चुके हैं। ओके ओके कहाँ से आ रहे गुंडे, कहाँ से आ रहे? ओके ओके इन विलेजर्स की तो ऐसी की तैसी, ये वाले विलेज के अंदर रेड मारेंगे। यार बहुत टाइम हो गया, एक भी रेडर मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या सीन है यार, कोई तो दिख जाओ भाई। अरे भाई कहाँ पे है यार ये लोग, यहाँ पे इतनी बड़ी गुफा है, क्या पता इसके अंदर हो। ओ पूरा पूरा एक तो दिख गया मेरे को, एक तो दिख गया, तेरी ऐसी की तैसी बेटा। ये ले बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी, मरो भाई। तीन तीन चार चार, कितने लोग हैं यहाँ पे? नहीं 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 शिट शिट, मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, नहीं ओ बे नहीं। ओके ओके तेरी ऐसी की तैसी, मार मार के दिखा भाई मेरे को, मार के दिखा तू। ओके ये गया, और जो नीचे गिरा वो तो मर गया भाई, इतनी गहरी गुफा है ऑफ कोर्स मर जाएगा वो। ओ चलो ठीक है, एक रेड तो मैंने बचा ली, अभी दूसरी रेड आ रही है, जल्दी जल्दी मेरे को ऊपर चलना पड़ेगा। अरे यार ये काम तो बहुत मुश्किल पड़ गया, बट कोई बात नहीं, अगर अच्छी नौकरी करूंगा तो फ्यूचर में अच्छा ही होगा मेरा, लोगों की सेवा तो करनी चाहिए ना दोस्तों। काहे रेडर्स भाई, अभी उनकी ऐसी की तैसी करता हूँ। ये वाले विलेज को तुम अटैक करोगे? हाँ भाई, ये देखो दोस्तों नीचे स्पॉन हो रहे हैं यार, इनकी तो ऐसी की तैसी फट्टू है भाई सबके सब। एक काम करता हूँ, गोल्डन एप्पल खाता हूँ और मारता हूँ छलांग, लेट गो। आ जाओ आ जाओ, किसके 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 अंदर है दम, आ जाओ इतने सारे। अबे नहीं 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 भाई भाई कुछ ज्यादा ही है। एक गया, दूसरा भी गया, आ जा बेटा आ जा, हैं इस वाले विलेज को अटैक करेगा, तेरी ऐसी की तैसी। भाई एक और है यहाँ पे, तुम्हारी तो तू बचेगा, तू बचेगा। भाई ये लोग मेरे को मार नहीं दे भाई, डर गए क्या मेरे से? ओके आ जा बेटा आ जा,
अच्छा अच्छा ओपन नहीं, गिर गया मैं, शिट तुम्हारी ऐसे की तैसी, लेट्स गो, ये भी गया, ओके एक और रेड मैंने मार दिया, लेट्स गो दोस्तों। ओरे शिट दोस्तों, यहाँ पे तो इतना मोटा गेंडा भी आ चुका है, रेवेंजर तेरी ऐसी की तैसी गेंडे। ओके ओके मेरे को आराम से लड़ाई करनी पड़ेगी, ये बहुत पावरफुल होने वाला है। ओके ओके सबसे पहले काम करता हूँ, इस गेंडे को मारता हूँ, आ जा बेटा। तो यार ये तो मेरे को मार भी सकता है, तेरी ऐसी की तैसी, अबे तो ऐसे मरेगा भी नहीं, तो कैसे मारूँ इसको। अरे एक काम करता हूँ, ओ बाप रे, क्या पता ये पानी से स्लो हो जाए, ओ हाँ पानी से स्लो हो रहा है ये, अच्छी बात है। तेरी ऐसी की तैसी, नहीं नहीं, ओके 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 आराम से आराम से, भाई तेरी ऐसी की तैसी, नहीं 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 ब्रो 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 ब्रो, शिट ओ शिट, मेरे को मेरा रिस्पॉन पॉइंट ना यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ओके 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 आराम से आराम से, मेरे को मेरा रिस्पॉन पॉइंट इस विलेज के अंदर सेट करना पड़ेगा। भाई ये लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। ओके 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 ये यहाँ पे बेड चाहिए, बेड चाहिए, बेड दो यार कोई बेड दो, क्या यार यहाँ पे एक भी विलेज के अंदर बेड नहीं है। आ गया आ गया आ गया, गेंडा आ गया तो, ओके गया, लेट्स गो गेंडे को मार दिया। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम तो बच्चे हो उसके सामने, हैं आ जाओ क्या तेरी तो। ओके दोस्तों तो ये आखिरी बंदा बच रहा है, इसकी ऐसी की तैसी करते, आ जा भिडू, लेट्स गो लेट्स गो हीरो ऑफ द विलेज, मैंने इस विलेज को फाइनली बचा लिया है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से गांव वालों से पूछते हैं कि भाई उधारी का सामान कहाँ पे है। ओके तो मेरी गांव वाले से बात हुई, उसने कहा कि जो भी उधारी का सामान या फिर कीमती सामान जो होता है वो लोग इस कुएं के अंदर सबा के, वो सामान ना ये लोग इस कुएं के अंदर डालते हैं, ठीक है तो इस कुएं के अंदर देखते हैं कि कुछ सामान है कि नहीं। ओ यहाँ यहाँ पे चेस्ट तो पड़ी है भाई, इतना सारे गोल्ड ब्लॉक्स और इतना सारा गोल्डन एप्पल, भाई थैंक यू यार, कुछ ज्यादा ही सामान मिल गया, थैंक यू विलेजर बताने के लिए। और ओके तो ये विलेजर मेरे को थैंक यू कह रहा है कि तुमने मेरे इस गांव को बचाया और मेरी गांव की रक्षा की। अरे कुछ बात, कोई बात नहीं यार, ये तो हमारा फर्ज बनता है। अरे हेलो 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 भाई, मैं आ चुका हूँ, तुम्हारा सारा सामान ले आया मैं। ओ अरे भाई थैंक यू बेटा। अरे यार भाई बस तुम ऐसे ही मेरे को काम दिए करो यार, ये लो तुम्हारा सारा सामान, बस एक गोल्डन एप्पल खाना पड़ गया था मेरे को, उसके लिए माफ करना। अरे एक की बात कर रहा है, तेरा गिफ्ट ये पकड़। अरे इतने सारे, थैंक यू। अरे ये इतना सारा यार, आप तो भाई बहुत धन्यवाद। अबे एक्स्ट्रा गोल्ड ब्लॉक, अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ओके तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अब मैं भी इस वाले माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर बन चुका हूँ अमीर, और मेरे को फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया है एक अमीर फैमिली के अंदर, और मैंने इनका दिल भी जीता है। सो या अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।